हाय फ्रेंड्स, मैं मीना, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे साबूदाना वड़ा। व्रत की रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बड़े बॉल में भिगोया हुआ साबूदाना डालेंगे। 2 कप साबूदाना है। 2 बड़ा आलू मैश किया हुआ। 1 कप हरा धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ। 1 बड़ा चम्मच जीरा। 3 हरी मिर्च कटी हुई। 1/2 कप भुनी हुई मूंगफली जिसे हमने पीस लिया है। 1 बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट। अब हम व्रत वाला नमक डालेंगे। सेंधा नमक है, स्वाद के अनुसार डालेंगे। सारे सामग्री को अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे सामग्री को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम मिश्रण में से थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और वड़ा बनाएंगे। इसी तरह से सारे वड़े को बनाकर तैयार करेंगे। वड़ा को फ्राई करने के लिए हमने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। गैस की आंच को मीडियम रखेंगे और वड़ा को चलाते हुए अच्छा सुनहरा होने तक पकाएंगे। वड़ा अच्छा क्रिस्पी हो गया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से सारे वड़े को फ्राई करके तैयार करेंगे। लीजिए दोस्तों, गर्मा गर्म साबूदाना वड़ा बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी और कितना अच्छा बना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।